हे गाइज, वेलकम टू टेक्निकल सिक्स। होप कि गाइज सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने राउटर का जो है फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो है आपने अपना कोई भी ब्राउजर जो है उसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपली क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, और क्रोम ब्राउजर के यहाँ पे जो है सर्च में आपने टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डीलिंग टाइप कर रहा हूँ। आपके पास जो है किसी भी कंपनी का जो भी राउटर है, आपने उस कंपनी का नाम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है फर्मवेयर उसके बाद टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं जो है डीलिंग का यहाँ पे फर्मवेयर टाइप कर देता हूँ। इसको मैं जो है न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टेंशन देखने को मिल जाएगी कि आपके जो भी फर्मवेयर है यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स पे, अगर आप किसी भी मतलब इंडिया के बाहर उसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वो वारंटी में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैं अभी डीलिंग का यूज़ कर रहा हूँ, तो डीलिंग का मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है यहाँ से अपना जो है जो भी राउटर आपके पास उसका मॉडल नंबर जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और मॉडल नंबर जो है उसका आप कहाँ से देख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये आपका राउटर है, इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे मॉडल नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है DSL2730U। और इसके अलावा यहाँ पे HW लिखा हुआ है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं HW है V1। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये मॉडल नंबर है DSL2730। तो ये जो है आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 27 यहाँ पे DSL और 2730U और यहाँ पे V1। तो यहाँ पे जो है सिंपली मैं ये वाला जो मेरा मॉडल नंबर है इसको जो है मैं सिंपली गो कर देता हूँ। और इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्मवेयर जो है इसका 1.11 वर्जन जो है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो है सिंपली मैं डाउनलोड के बटन पर टैप करता हूँ, और इसको जो है मैं सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो है यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी यहाँ पे फर्मवेयर अभी अपडेट के लिए डाउनलोड किया था, यहाँ पे वो डाउनलोड हो चुका है। इसको जो है मैं सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी आगे। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली फाइल जो है यहाँ मैंने अभी ये डाउनलोड करी थी, और ये सिर्फ जो है 1.58 MB की फाइल है। और इसको अभी अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है अपना क्रोम ब्राउजर जो है उसको ओपन करना है। उसमें यहाँ पे टाइप करना है 192.168.1.1। तो इसके बाद जो है आपने सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है टाइप करना है अपने जो भी आपके पास राउटर है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे जो मेरे पास डीलिंग का जो यहाँ पे मॉडम है इसका यहाँ पे यूज़र नेम है वो एडमिन है। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे यूज़र नेम में भी एडमिन आपने डालना है, और पासवर्ड में भी जो है आपने एडमिन डालना है। उसके बाद जो है सिंपली यहाँ पे साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे मेंटेनेंस पे क्लिक करना है। मेंटेनेंस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपडेट सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जो है यहाँ पे सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है, जहाँ पे मैंने अभी जो फाइल सेव की थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वाली फाइल जो यहाँ पे सेव की थी। आपको जो है सिंपली इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली फाइल जो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ये पूछ रहा है कि डू यू रियली वांट टू अपडेट द सेटिंग्स। तो इसके बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आपके जो है यहाँ पे फर्मवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा। और अभी के लिए जो है मैं इसको अपडेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस पर जो है कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें मैंने इस पर चेक करनी है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो जो है थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और आने वाली वीडियोज़ को देखने तरह सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखेंगे। थैंक यू सो मच।